नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरबी सिंह, बिम्पा प्राइवेट लिमिटेड से, बिम्पा हाइड्रोपोनिक एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो हार्वेस्ट करने के लायक हो गई है, और आज मैं कुछ स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रॉबेरी इससे पहले मैं कुछ हार्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी जो है काफ़ी जो है वो पक गई है और बिल्कुल हार्वेस्ट करने लायक हो गई है। तो आज मैं इनको हार्वेस्ट करूँगा, और हार्वेस्ट करने के बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा और आपको मैं इसको दिखाता हूँ पूरी स्ट्रॉबेरी हमारी जो है वो कितनी किस तरीके से तैयार है। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है और काफ़ी इसमें फ्रूटिंग है और तैयार है लगभग। तो जो जो तैयार है स्ट्रॉबेरी उसको मैं हार्वेस्ट करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि देखिए ये पूरा बंच का बंच है, ये पूरा तैयार है, इसको मैं हार्वेस्ट करूँगा। और इधर भी आप देखिए, लेकिन कुछ स्ट्रॉबेरी ऐसी है जो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, उनको मैं छोड़ दूँगा। और जैसे इसके साथ में ये है, इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। ये पूरा बंच का बंच है, ये देखिए पूरा तैयार हो गया है। अब इसको मैं इनको सबको मैं जो तैयार हैं उसको मैं हार्वेस्ट करूँगा। जी ठीक है, देखिए जैसे कि ये तैयार है, इसको मैं काट लेता हूँ। ये हमारा डिब्बा इसमें ऐसे रख लेता हूँ। ये लगभग दोनों तैयार हैं, इन दोनों को मैं काट लेता हूँ। ये देखिए, ये मैं इनको ऐसे रखता जाता हूँ। ये भी तैयार है, इसको काट लेता हूँ। और ये भी लगभग तैयार है, इसको भी काट लेता हूँ। ये तैयार है, इसको काट देता हूँ। ये अभी नहीं तैयार है, इसको छोड़ देता हूँ। और ये देखिए थोड़ा इधर को थी, ये पूरा बंच है। ज़रा हम कहेंगे बंच इधर इसकी तरफ दिखाएं। देखिए ये सारी स्ट्रॉबेरी लगभग तैयार है, तो इनको सारी को मैं काट लेता हूँ। देखिए ये पूरा बंच था, इसको मैंने काट लिया है। और ये देखिए ये पूरी तरीके से तैयार है, इसको भी मैं काट लेता हूँ। ये तैयार है। कहूँगा कि जहाँ मैं काटूँ उस तरफ ज़रा कैमरा को रखें। ये देखिए ये तैयार है, ये कुछ छोटी हो रही थी, इनको भी मैं काट लेता हूँ। कुछ पोलराइजेशन ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए छोटी रह गई हैं। ये देखिए ये तैयार है, बहुत अच्छी है, पूरी तरीके से लाल हो गई है और खट्टापन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्ट्रॉबेरी में खट्टापन नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट हैं इसमें, सभी तरीके के न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद हैं स्ट्रॉबेरी में। जो 15 न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए, वही 15 न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए जिंदा रहने, वो 15 के 15 न्यूट्रिएंट मैं उसमें डालता हूँ। कोई भी इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, कोई भी किसी तरीके से हानिकारक कोई भी तत्व नहीं है, पूरी तरीके से ये स्वास्थ्यवर्धक है। स्ट्रॉबेरी है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और मैं इनको भी काट लेता हूँ। हमारा जो है जो बॉक्स है वो लगभग फुल हो चुका है, और ये लगभग फुल हो चुका है। और अभी और हैं, इनको मैं हार्वेस्ट करूँगा। कुछ धूप ज़्यादा हो रही है और इसलिए इनको हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, वरना ये सूख जाएंगी। इनका जो रस है वो रस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगी ये, तो इसलिए इनको हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से मैं इनको रोके हुए था, अब ज़रा मैं कैमरे को रोकूंगा।